ये जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा जो हाल फिलहाल में 18 अप्रैल को हुआ। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर दिल्ली के दरियाएगंज में एक कपल अपनी गाड़ी में जा रहे थे और बिना मास्क के जा रहे थे, तो इस करके पुलिस वालों ने इनको रोक लिया। और यहाँ पर जो मैडम, जो मोहतरमा थी, जिनका नाम अदा है, आई थिंक उनका नाम अदा ही है, बहुत ज़्यादा आधा दिखाई उन्होंने, और जो इनके पति हैं मनोज, इन्होंने भाई साहब, इन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा। जब इन्होंने, पुलिस वालों ने इनको रोका तो इनके ऊपर ये बिल्कुल गाली गलौज के साथ इनके ऊपर चढ़ गए। और जो इन्होंने हंगामा क्रिएट किया और जैसे इन्होंने बिहेव किया पुलिस वालों के साथ, जो इनकी ये वीडियो जैसे वायरल हुई। चलो, अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं, जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों ने? नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियां बीवी, भाई मियां बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिलावत करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा बिना बात, कुछ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मास्टर रुक रहे कुछ, मास्टर रुक रहे कुछ, अभी मैं इसको किस करूंगे तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है, बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी पूरी आगे बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना, और मेरे को भी तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की, और अपने समय कोर्ट में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो, अरे भाई, अरे 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 यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप रहे तो साइड में लगाओ, उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। जिसमें तुमने लेके दिखाए मेरे से चालान, चालान लोगे? लोगे चालान? मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ, मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। सुनो ना भाई, और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या, हमारा अधिकार है ये? आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताना जरा, आप बताओ। चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है? कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? नहीं नहीं, आपका कौन सा, कौन से उसके तहत अधिकार है? एज पर गाइडलाइन 7 अप्रैल से कोर्ट ने ये बात बोल दी कि जब आप गाड़ी में अकेले हो या फिर और कोई भी साथ में, मतलब जब उन्होंने अकेले ही बोल दिया, तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी को उन्होंने एक पब्लिक प्लेस के तौर पे इन्होंने कहा था कि वहां पर भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। चलो इनको नहीं पता थी वो बात, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नहीं पता होते हुए भी जिस तरीके से बिहेव किया पुलिस वालों के साथ, जो जो इन्होंने कहा कि भिखमंगे हैं, तुम्हें मैं बता दूंगी, मैंने यूपीएससी मेन दे रखा है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कौन सा यूपीएससी था। भारत में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यूपीएससी होता है जहां पर इस तरीके के जो कैंडिडेट जाते हैं और एग्जाम देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है पुलिस वालों के साथ, और जो इन्होंने तर्क दिया है कि भाई मैं क्यों नाम क्यों लगाऊं मास्क, अगर मुझे मेरे हस्बैंड को मतलब ये करना पड़ जाए तो मैं कैसे, भाई तो मतलब इसका क्या तुक बनता है यार? और ठीक था भाई, चलो तुमने गाली गलौज कर ली, अब पुलिस बेचारी क्या करती यार, करना भी क्या था, उनके हाथ में क्या था, बस ये जो इंसिडेंट था वो 18 अप्रैल का था। अब पुलिस वाले बेचारे क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, 18 अप्रैल को ये 4:30 बजे का इंसिडेंट होने के बाद 7 अप्रैल को गए भाई साहब को उठा के अपने पास ले आए, मनोज को जो इनका पति था, इनको ले आए 7 बजे के करीब पुलिस थाने का, आओ भाई तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी करते। फिर इसके बाद अगले दिन यानी 19 अप्रैल को मिसिज यानी इनकी जो वाइफ है वो भी थाने में आ गई। देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से चने बिकवाने बात करने वाली ये महिला अब जो है वो जेल के दर्शन करके आ चुकी है। और हमारे रिपोर्टर भैया कहां पीछे रहने वाले थे, वो तो पहुंच गए जब उन्होंने कहा कि जब इनकी वाइफ ने जैसे बिहेव किया, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी मेंस दे रखा है, वो चने बिकवा देंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, और उन्होंने भिकमंगा कह दिया पुलिस वालों को। तो जब इनके पास रिपोर्टर पहुंचे तो रिपोर्टर ने भाई साहब ने पूछ लिया इनसे सवाल। गंज थाने की पुलिस की कस्टडी में बकायदा जो पंकज है उसको पकड़ा गया है, जबकि जो महिला है उससे पूछताछ की जा रही है। पंकज क्यों बदतमीजी कर रहे थे वीकेंड कर्फ्यू में? आप वाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वाइफ मेरे को गुस्सा दिला रही थी बहुत ज्यादा, और मैंने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने पुलिस कर्फ्यू में लोगों को पालन करा रही है, बहुत खतरनाक बीमारी है, पुलिस को भिकमंगा कहना और सब
वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ गलती है। मान रहे हैं गलती, मान रहे हैं गलती है ही। लोगों को मैसेज तो देना चाहेंगे ना कि जब पुलिस सड़क पर हो तो। मैंने उसको यही बोला था दिल्ली गेट में, जब लाइट में थे हम, लाइट पर खड़े थे, तो मैंने कहा कि मास्क लगा लो। पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे, मास्क नहीं लगा रही हो ना मेरे को लगाने दे रही। पूरे रास्ते हम गाड़ी में लड़ाई करते आ रहे हैं। मेरे को फ्रेंड को फोन देना था यहाँ पे, फ्रेंड को मास्क न लगाने को लेकर लड़ाई हो रही थी। लड़ाई हो रही थी, मैं लगाना चाह रहा था, उसको भी लगवाना चाह रहा था। तो आप भी दिख रहे थे पूरा एकदम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिमाग लगाने भी नहीं देती ना। अब तो आपके खिलाफ एक्शन हो गया, क्या आम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, फॉलो करना चाहिए कि नहीं? फॉलो करना चाहिए सर, वो तो मैं उसको खुद कह रहा हूँ पहले ही। सर जो आप, जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तो मैं मास्क ही लगाता हूँ हमेशा। आप देख पा रहे हैं, आप पुलिस का जो है लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील कर रही थी क्योंकि आप ही की सुरक्षा है। लेकिन कल जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पंकज अपनी वाइफ के साथ दिख रहे थे और जिस तरह की अभद्रता की गई, उसके बाद अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। जबकि जो महिला है उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जो महिला है उसकी भी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जो है वो करेगी। कैमरामैन वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। आज ये पक्का घर जाके मरने वाला है भाई। इसी ने ना जो जवाब दिया है ना, अपने सारा इल्जाम अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया है कि भाई इसी ने मुझे भड़काया, यही मुझे मास्क नहीं लगाने दे रही थी, ये पक्का मरने वाला है। ऊपर से इनकी वाइफ का भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे हस्बैंड के साथ जिससे मेरा दिमाग खराब था, बहुत बड़े यार, बहुत अच्छे अच्छे बहाने जा रहे। मतलब 10 मिनट अगर वो चुप रह जाते, वो जो इंसिडेंट 18 अप्रैल को जो हुआ, ये 4:30 बजे, 10 मिनट अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते, ऐसे अपना बिहेवियर इस तरीके से घटिया बिहेवियर ना सामने लेके आते तो। और आज जब इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, कम से कम वो तो ना होती है। लेकिन नहीं, बुद्धि तो शायद इन्होंने चने वेचने में लगा दी थी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे थे। अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन बनाई है तो उसको फॉलो करना जरूरी है, ना कि बचकानी बातें देकर, बचकाने आर्ग्यूमेंट देकर उनसे बचने की कोशिश की जाए, उनका विरोध किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो गवर्नमेंट ने तैयारी नहीं की, गवर्नमेंट की वजह से कोरोना का केस इतना बढ़ गया। उतने ही जिम्मेदार जनता है, क्योंकि जनता ने कोई ध्यान नहीं रखा है। जब कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, तो लोगों ने जिस तरीके से बिहेव किया, मास्क उन्होंने नहीं लगाया, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी उन्होंने नहीं किया, ये सच्चाई है। जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है उतनी तो जनता भी तो जिम्मेदार है इस चीज को फैलाने में। और आज की डेट में भी ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, और अगर कोई लगा भी रहा है तो वो तो बस लगाकर सामने वाले के ऊपर एहसान कर रहा है कि हाँ मैंने लगा लिया अब तो तू खुश है, बल्कि ये तो उसकी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है कि मास्क लगा कर रखो। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसा कहा गया है, जैसी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो, वरना जुर्माना भरोगे। ऊपर से इन मोहतरमा के तरीके से जो जिस तरीके से किरकिरी इन्होंने अपने और अपने पति की किरकिरी उड़वा दी है पूरी, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जैसे वायरल हुआ, वैसे ही हाल होता हुआ नजर आएगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।